कि ये कितना स्पाइन में टेढ़ापन है, ये थोरेसिक एरिया के आसपास है, इसे इसके आसपास देखिए। इज इट डिफिकल्ट इन ऑस्ट्रेलिया? Welcome friends, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज संडे है, because ऑस्ट्रेलिया इज फुल ऑफ सी फूड, लॉयर है आप, इससे जिस में देखेंगे उनके ऊपर का डोर्सल भी एडजस्ट नहीं हो रही, आपने एक्सरे में देखेंगे कि कितना उनके बैक का मेस्ट अप है, और लोअर बैक भी बहुत हल्का सा खुला था, नेक ही ऐसा था जो पूरी तरह से बैक खुला था, नेक में कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बट मिडिल बैक और लोअर बैक में ही सबसे ज्यादा दिक्कत थी। एक्सरे है, इसको हम स्कैनोग्राम बोलते हैं, ये है ऊपर नीचे है, ये राइट है, थोड़ा सा ऊपर है, घुटने के स्पेसेस और दोनों घुटने अंदर की तरफ जाने लग गए हैं, पांव से भी देख सकते हैं एंगल बिगड़ने लग गया है, इनके घुटने सीधे होने चाहिए थे, ये और ये एक ही लाइन में आने चाहिए था, ये देखिए लेफ्ट वाला बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जा रहा है, यही हम इस मशीन से चेक करके भी बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाहर से आए थे, ये 6 महीने से पहले वापस आ नहीं सकते, इसीलिए हमको वही नीचे पांव के पास भी देखिए कि कितना ज्यादा एंकल अंदर की तरफ जाने लग गया, इसकी वजह से इनको आर्थराइटिक चेंजेस भी होने लगे हैं, ये सारी दिक्कतें होने लगी। रिलैक्स रिलैक्स इजी, ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट breathe out breathe out breathe out okay major cause tha ki inki body back pain kafi zyada rehta hai to maine inka ye whole spine karaya hai whole spine mein aap dekh sakte hain ki ye kitna spine mein tedhapan hai ye thoracic area ke aas pass hai aise iske aas pass dekhenge aap shoulders upar niche hain पेल्विस ऊपर नीचे है इसी से पता चलता है कि स्पाइन में थोड़ा सा कर्वेचर आने लगा है बट ये कर्वेचर करीब 2 या 3 डिग्री का है लेकिन ये काफी है एक आम आदमी को ट्रबल करने में वहीं पे आप ये नेक के आसपास देखेंगे कि नेक में भी टेढ़ापन आ गया है ये आपका पेल्विस देखेंगे ये राइट वाली पेल्विस ऊपर है लेफ्ट वाली हल्की सी पेल्विस नीचे है तो मैंने इनको आर्चेस भी कल बना के दिए हैं जिससे इनका इम्बैलेंस ठीक होगा और ये एक साइड व्यू है ये पीछे से लिया गया व्यू है ये साइड व्यू है साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि ये नेक का कर्वेचर थोड़ा सा बड़ा हुआ है यहाँ पे C1 C2 में स्पेस घटने लगा है और ये पीछे से देख सकते हैं राउंडेड नेस कर्वेचर काइफोसिस बोलते हैं ये उठ गया है ये बहुत ज्यादा कर्वेचर आने लगा है जिसकी वजह से कमर का जो कर्वेचर है ये भी काफी ज्यादा बढ़ गया है कमर की वर्टिब्रास बिल्कुल सब में ठीक है बट जैसे हम L2 के पास में जाते हैं इसमें स्पेस थोड़ा सा कम हुआ है L2 में और बेटर हो जाता है L3 में बिल्कुल ठीक है L4 L5 में बिल्कुल नीचे तक साफ सुथरा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो इनको दिक्कत की वजह है ये इनका कर्वेचर है काइफोसिस जो उठा हुआ है और इसकी वजह से ये यहाँ पे देख सकते हैं कर्वेचर टेढ़ा आ गया है इसको हम स्कोलियोसिस बिल्कुल नहीं बोलते दोस्तों अगर आप ध्यान दें जो लोग थोड़ा से भी टेढ़ापन को अगर इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है इसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं सिर्फ स्टिफनेस टाइटनेस होती है ये एक लॉयर हैं तो ये बहुत ज्यादा देर बैठे रहते हैं उसी की वजह से इनको सबसे ज्यादा ब्रीथ आउट ओके टर्न टुवर्ड्स मी दिस लेग स्ट्रेच दिस वन बेंट इजी Breathe out. Easy. Ah. Straight. Turn towards me. Okay. Straight. Easy. Okay. Easy. Easy. Come. वीडियो को देखिएगा हमारी सारी वीडियोस इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं हम कोशिश करते हैं आप तक एक इंफॉर्मेशन एक पेशेंट की स्टोरी पहुंचाएं और हो सकता है कई लोगों को ये चीज
इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होगी जो कि दवाइयाँ खाते होंगे या सालों से परेशान होंगे, और उस जर्नी में हम आपका साथ देना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी सवाल हो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपके आसपास किसी को भी ऐसी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमारी पहले वीडियो उन तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो समझ सके कि हम क्या करते हैं, इसका कितना फ़ायदा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा।